एक ओर हर घर तिरंगे की शान की खातिर सज रहा है, तो दूसरी ओर फौजी को एक कातिल के तौर पर पेश किए जाने की तैयारी है साहब। देखिए और जरा ध्यान से सुनिएगा लाल सिंह चड्ढा का ये सीन और डायलॉग। मम्मी ने कहा है फौज विच भर्ती हो जा, पर मैनू किसी नु मारना अच्छा नहीं लगता है। जिस पर पास बैठी लड़की भी विदा होती हुई नजर आती है, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि करीना खान साहिबा है। सुना आपने, लाल सिंह चड्ढा बोले तो आमिर खान ये फरमाते हैं कि वो फौज में भर्ती इसलिए नहीं होना चाहते थे क्योंकि उसे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता। एक बार जरा फिर सुनिए। मम्मी ने कहा है फौज विच भर्ती हो जा, पर मैनू किसी नु मारना अच्छा नहीं लगता है। हालांकि फौरी तौर पर ये बात बड़ी सामान्य सी लगती है, लेकिन ये सेना की छवि खराब करने का काम भी करेगी। अब सवाल ये है साहब कि क्या फौजी किसी को मारने की नीयत से सेना में शामिल होता है, या फिर देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर देने की भावना से? क्या सिर्फ सेना मारकाट ही करती है? आमिर खान की आने वाली फिल्म को बायकॉट किए जाने की लहर तेजी से दौड़ी है। जाहिर है अपने पुराने बयानों से पीछा छुड़ाने के लिए आमिर ने फौजी का किरदार वाला टीजर भी जारी किया है, शायद इसलिए कि लोगों के दिलों में देशभक्ति वाली छवि गढ़ सके, ताकि फिल्म कम से कम डूबने से तो बच जाए। बहरहाल फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर निर्माता से लेकर खुद आमिर खान की सांसें चढ़ी हैं। ऐसे में फौज को लेकर बोला गया ये डायलॉग कहीं मुसीबत कम करने के बजाय बढ़ा ना दे। मम्मी ने कहा है फौज विच भर्ती हो जा, पर मैनू किसी नु मारना अच्छा नहीं लगता है। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।